तो आज हमारे साथ एक नन्हे मेहमान और आए हैं, मिस्टर मिस्टर सुमित खुड़िया जी। ये हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल भर्ती है, अभी जवान कमांडो है जी, जो भर्ती कैंसिल होने वाली है। क्यों ले गए थे? हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। वो नहीं चाहती कि उससे पहले उसकी औलाद जाए, इसलिए हमारे साथ खड़ी रही। देखो दोस्तों, हम चल तो पड़े हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। अब तक कहाँ जा रहे हैं भाई? सब जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली वाला तो रोड ही नहीं है, यहाँ से शॉर्टकट एक रास्ता है, चंडीगढ़ बाईपास है। अरे दोस्तों, हम जान लग रहे हैं बीड़ बबराण मंदिर में, जहाँ पे श्याम जी का मंदिर है और बहुत ही गजब का नजारा है। इतनी शांति है वहाँ पे, आपको मैं वहाँ का नजारा दिखाऊंगा। बीड़ बबराण मंदिर दोस्तों, बीड़ बबराण। विक्रम कहाँ लेके जा रहे हैं बता भाई? आज लेके जा रहे हैं आपको बीड़ बबराण। आज बीड़ बबराण मंदिर में जा रहे हैं। श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आपको उस प्राचीन मंदिर की खास बात बताएंगे थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं इस भजन के बाद। भूल गयो ये डांडिया वीडियो रिकॉर्ड कर। ये बताओ, ये डांडिया किसकी है? भाई साहब, ये इतनी फेमस हो रही है, आनिया जानिया इनकी चर्चा करे जाओ। ये मेरे ख्याल सरदारों की डांडिया है शायद। हाँ, कहा तो है। तो ये जो घर है भाई, ये डांडिया है सरदारों की मेरे ख्याल से है। ये पूरी दिखा नहीं पा रहा आपको, बड़ी ही बड़ी ही अद्भुत कलाकारी है ये। अजीब सी मतलब बना रखी नक्शे के हिसाब से। विक्रम साहब, विक्रम केदर जी, आप कहाँ लेके जा रहे हो हमको आज? अरे भाई साहब, बीड़ बबराण कितनी बार समझा चुका हूं। या होगी लड़े बीड़ बबराण जाने का, उसी रास्ते से जा रहे हैं, कुछ नया बोल। तो संदीप जाखड़ जी, हर लोग में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो आज भी इनकी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा। आज का अच्छा मेरे लिए ये है, हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। बोल दे रहे आगे। ये हम लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच चुके हैं दोस्तों, लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर। ये बीड़ बबराण के मंदिर का रास्ता ये लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर से जाता है। ये यूनिवर्सिटी अभी बढ़ रही है, बनी नहीं है, काफी बिल्डिंगें बन चुकी हैं यहाँ की। ये भाई साहब पहले यहाँ पे खुफिया रास्ता हुआ करता, फिर अभी लुवास यूनिवर्सिटी ला दी ना, तो ये पक्की सड़के बना दी। तो खुफिया रास्ता मतलब यहाँ पे क्या था ऐसा? सुमित गए थे आज, तो आप बहुत खुश हो रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग आने वाली नेक्स्ट मंथ पे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल। फुल फ्लैश पार्टी चलेगी जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाएगी। आप तो पार्टी दे दोगे, आपका फ्रेंड सचिन है वो तो नहीं देगा। तो यहाँ पे हम रेस्ट करने के लिए रुके हैं, रेस्ट करने के लिए 20 किलोमीटर के सफर के अंदर हम रेस्ट करने के लिए भी रुके हैं। ये संदीप जी हिंदी ना बोला भाई साहब, हरियाणवी चालने दे। ये विक्रम के शूज की तारीफ हो रही है, ये बुढ़िया देता कितने रुपए का बताए? उसने 150 रुपए का बोला है। फोटो ले ले, बढ़िया सी आवाज। 3 1 2 3 हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। अब चक्कर, हम गलत थे या सही थे, हमेशा हैं। अब ले दोबारा। हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। कौन रहा? ये देख कर रहे हैं। हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। आहा, अगर मुझे कैमरा सेट करने दे। हाँ जी, हम गलत थे या सही थे। हम गलत थे या सही थे, हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। वो नहीं चाहती कि उससे पहले उसकी औलाद जाए, इसलिए हमारे साथ खड़ी रही। वो किसी गुनहगार से कम नहीं जो माँ की इज्जत नहीं करता, उससे पूछो माँ की वैल्यू जो गई। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत बढ़िया। तो ये बीड़ बबराण में पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये एंट्री गेट है मेन, छोटा सा पुल बना रखा है यहाँ पे, और ये अंदर हम जा रहे हैं। अभी आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो ये खाटू श्याम का धाम आपको दिख रहा होगा, अभी अंदर से आपके आपको दर्शन करवाता हूँ मैं। Thank you.
कितना सुंदर नजारा है दोस्तों, देखो कितना गजब की ये बना रखी है। तो दोस्तों यहाँ का इतिहास तो मेरे को नहीं पता, इतिहास तो नहीं पता होता किसी को भी, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, बस आप देख सकते हो कितनी गजब की ये पीछे कलाकृतियाँ बना रखी हैं। और ये देखो आप श्री कृष्ण जी पीछे, ये श्याम जी की आप देख सकते हैं, श्याम जी की प्रतिमा कितनी गजब, श्याम जी की प्रतिमा है ये। और ये तो दोस्तों ये पीछे जो आप देख रहे हो पीपल का पेड़ है, ये इतना पुराना है, बहुत साल पुराना पेड़ है ये। इसका भी अपना एक इतिहास है, श्याम जी ने अपने बाण से इसके पत्ते भेद दिए थे, ऐसा कुछ था, पूरी बात नहीं पता हमको। दर्शन कर लिए, प्रसाद लीजिए, अब आगे बढ़ो जी बस। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे अभी एक आरती भी हुई थी, हम सही आरती के टाइम पे आए थे, तो आरती की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा व्लॉग के अंदर, आप लोग देख लेना। 10 मिनट की आरती थी, तो वो बहुत शांति का बहुत ही वातावरण था, मजा आ गया। क्यों सुमित? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। जय श्री श्याम बाबा, प्रसाद प्रसाद प्रसाद। क्यों संदीप? बढ़िया, मजे आ गए ना? अरे एक नंबर, बिल्कुल शांत माहौल। ये आपने मेरे को नहीं दी प्रसाद, ये लोग मरना हिंदी में प्रसाद मांगेंगे। बहुत ही शांति प्रिय वातावरण है मंदिर के अंदर, मतलब मजा आ जाता है, इतनी शांति। पूरे एक हफ्ते में एक बार आ जाओ, पूरे हफ्ते की बड़ास खत्म, पूरे हफ्ते की बड़क खत्म, 2 घंटे के लिए आ जाओ। तो दोस्तों अब चल पड़े हम घर की तरफ, मंदिर में दर्शन कर लिए, आरती के दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया, तो अब जा रहे हैं घर। तो गाइज, अरे रास्ते तो राइट है, लेफ्ट बता दे गाइज, पूरे बीच में दे दो। व्लॉग में गाइज बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना गाइज बोले वीडियो वायरल होती नहीं है। ये आपने मेरी कमजोरी को पकड़ा है। थारा भाई जोगिंदर, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, रूठ के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अब यहाँ पे ये 14 सेक्टर की मार्केट में खाने पीने आए हैं, क्या खाओ पियोगे तुम? ये बर्मा गोलगप्पे खाएंगे, चिल्ला खाएंगे, मड़ाई चाप खाएंगे, उसके बाद में 10-10 रोटी भी खाएंगे, और 3 मूंगफली खाएंगे। ये प्रसाद है, 3 मूंगफली ये प्रसाद है, 3 मूंगफली खानी पानी खानी है। श्याम जी की 3 ही तीर है, तेरे पास 3 ही मूंगफली है, बिल्कुल आशीर्वाद मिला है, बिल्कुल सही बात है। केसर तो 20 वाले में आ रहे हैं, हमें एक एक पीस खाएंगे, आप 1.5 पीस खाओ। तो अभी मार्केट में हम लोग खाने आए हैं, खाने और पीने, ये सुमित और विक्रम खाएंगे, और उधर संदीप जाखड़ जी वो उधर बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या बनवा रहे हैं। तो चाप बनवा रहे हो क्या? मलाई चाप। तो ये अपनी मलाई चाप तैयार, अपनी तैयार होना रही हो गया, ये अपनी मलाई चाप तैयार हो रही है भाई, सेक्टर 14 के फेमस है भाई। हाँ, संदीप जाखड़ खुद पास खड़े होकर तैयार करवा रहे हैं, बिल्कुल हाथ उद्दुल आगे सफाई से, साथ में सीख भी रहे हैं। हाँ, किससे बनेगी सुमित चाप? भूल गया यार मैं, श्याम दाम दंड भेद से बनेगी मलाई चाप। ये हमारे स्प्रिंग रोल बन के तैयार है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम स्प्रिंग रोल खाएंगे, फिर खाएंगे मलाई चाप। हम गलत थे या सही थे ना, ये सुरूं बोलूं चलो लास्ट बोला, फिर चला लेट हो रहा। हम गलत थे या सही थे, हमारे साथ खड़ी रही, वो नहीं चाहती कि उससे पहले उसकी औलाद जाए, इसलिए हमारे साथ खड़ी रही, वो किसी गुनहगार से कम नहीं जो माँ की इज्जत नहीं करता, उससे पूछो माँ की वैल्यू जिसके पास माँ नहीं रही। मापे रब्बा बड़े जरूरी है, मैं कितने लगूंगी ना इक्को। वाह क्या बात है, पहले ताली मारो फिर यू यू हनी सिंह। तो दोस्तों नलोई से अभी घूम के हम आ गए हैं सभी। अरे नलोई से नहीं,
बीड़ बबराण से, सॉरी। तो दोस्तों बीड़ बबराण में घूम के आए हैं अभी चारों, तो मजा आ गया, इतनी शांति मिली, बढ़िया गजब का मजा आ गया। इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।